हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीताज क्रिएटिव वर्ल्ड। आई एम सुनीता रावत, क्रिएटिव डिजाइनर एंड डीआईवाई स्पेशलिस्ट। ऑन माय चैनल यू कैन वॉच ऑल टाइप्स ऑफ क्रिएटिव आइडियाज लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माय अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ प्लांटर मेकिंग आइडिया, और बहुत ही इजी। और इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरह के टूटे हुए जार जो कि मेरे घर में पड़े हुए। अगर आपके पास ऐसे ना हो तो आप किसी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक की बॉटल से बना सकते हैं। सो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ बिरला पुट्टी, और आपको एक बर्तन में बिरला पुट्टी निकाल लेना है। सो फ्रेंड्स, बिरला पुट्टी की आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है इस तरह से, और उसके अंदर आपको ऐड करना है करीबन 6 से 7 चम्मच पानी के। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही पानी ऐड करना है अगर ज़रूरत पड़े, अदरवाइज़ आपको इतनी ही क्वांटिटी में इसे अच्छे से गूंद के इसका एक डो रेडी कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो क्ले है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम क्ले में से थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेंगे और इसे हम फ्लैट बेल लेंगे। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पेन जो कि सभी के घर में होता है। साथ ही इसे साइड कॉर्नर से हम इस तरह से कट कर लेंगे, और उसके बाद में हम इस जार में रैप कर लेंगे। अगर आप किसी प्लास्टिक बर्तन का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक बॉटल का, तो आप उसके ऊपर रैप कर सकते हैं इस तरह से। एंड फ्रेंड्स, रैप करने के वक्त में अगर आपका जो क्ले है वो टूट जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पानी से थोड़ा सा पानी हाथ में लगा कर इस तरह से आपको टूटे हुए जगह पर क्ले लगा लेना है, और साथ ही हाथ में पानी लगा के इस तरह से इसे फ्लैट कर लेना है। सो इसी तरह हम पूरे जार में हाथों पे पानी लगाकर उसे स्मूथ कर लेंगे, और बाकी की जगह पे भी मैंने क्ले को रैप कर लिया है। और उसके बाद में हाथों में पानी लगा के इस तरह से आपको इसे स्मूथ कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब ये स्मूथ हो गया है, और उसके बाद में हम यहाँ पे किसी भी टैप का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से इस पे डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ पे मैं कटर के टैप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास में कटर का टैप ना हो तो आप फेविकॉल की बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते इस तरह से, और साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी छोटी रख सकते हो डिज़ाइन की। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी हो गया है और अच्छे से सूख भी गया है। आपको कम्प्लीटली इसे 6 से 7 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देना है। एंड फ्रेंड्स, जब ये कम्प्लीटली सूख जाए तब इसे आपको सैंड पेपर या फिर पॉलिश पेपर से इस तरह से पॉलिश कर लेना है ताकि पूरी एरिया जो है इसकी स्मूथ हो जाए। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसे करेंगे कलर। और कलर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक का ब्लैक कलर। इसे पूरी तरह से हम पेंट कर लेंगे ब्लैक कलर से। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली कलर हो गया है और साथ ही सूख गया है। साथ ही मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ गोल्डन पाउडर का। सो फ्रेंड्स, ये पाउडर आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको सिर्फ उंगलियों से इस तरह से टैप करते हुए इसे लगा लेना है, और इससे इसका लुक ही चेंज हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद में हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वार्निश। आप वार्निश ज़रूर यूज़ कीजिए, बिकॉज इससे आपके जो कलर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से टिके रहेंगे, साथ ही आप प्लांटर में बहुत ही अच्छी सी शाइन आएगी। और फ्रेंड्स, ये भी आपको किसी भी पेंट शॉप में आसानी से मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो प्लांटर है बहुत ही प्यारा लग रहा है, और हमने एक टूटे हुए जार को इस तरह से इसे कन्वर्ट कर लिया है। और अगर आपके पास में इस तरह की जार ना हो तो आप प्लास्टिक की बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर प्लांटर बना सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, और आप इसे इंडोर या आउटडोर दोनों साइड में रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।